प्यारे बच्चों, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा क्लास 9th-11th का परीक्षा प्रोग्राम टर्म 2 का जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कक्षा 9 की द्वितीय सावधिक परीक्षा एतद् द्वारा विज्ञप्ति संख्या 46/2021 एवं 21/2022 के क्रम में झारखंड राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों को प्रधानाध्यापकों, छात्र छात्राओं एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि कक्षा 9 की द्वितीय सावधिक परीक्षा 2022 आयोजन निर्धारण परीक्षा केंद्र पर निम्न कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। बच्चों, इसका सेंटर बनेगा, परीक्षा आपका 2 बजे से 3:45 तक है और 15/6/22 से आपका 9th क्लास का शुरू है। तो 15/6/22 को आपका हिंदी कोर और कोर बी है, मतलब हिंदी कोर होगा। 17/6/22 को आपका अंग्रेजी होगा। 21/6/22 को गणित होगा। 28/6/22 को सामाजिक विज्ञान है। 5/7/2022 को विज्ञान है और 7/7/2022 को आपको इलेक्टिव का एग्ज़ाम है, जिसमें आपका संस्कृत, उर्दू, बंगला, अरबी, फारसियन, उड़िया, करिया, कुरठा, कुरमाली, नागपुरी, पंचप्रगनिया, मुंडारी, संथाली, उरावी, ये सब भाषा आते हैं बच्चों। तो आपका ये एग्ज़ाम होना है। अब इसमें क्या क्या है बच्चों, तो यह परीक्षा एक लिखित परीक्षा होगी, मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, ये सारा सब्जेक्टिव रहेगा। प्रथम सावधिक परीक्षा में छात्र छात्रा जिस विषय की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उसी विषय की द्वितीय सावधिक परीक्षा में वे सम्मिलित होंगे। मतलब यदि आप लोगों ने अंग्रेजी का परीक्षा फर्स्ट टर्म में दिया है तो सेकेंड टर्म में भी अंग्रेजी का परीक्षा में ही बैठना होगा। यह परीक्षा अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय मिश्रित प्रश्नों पर आधारित होंगे। विषयवार 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन, प्रथम सावधिक परीक्षा के लिए 10 अंक तथा द्वितीय सावधिक परीक्षा के लिए 10 अंक के अंकों का संधारण प्लस टू विद्यालय महाविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा। मतलब 20 नंबर आपको स्कूल तरफ से मिलेगा बच्चों, 80 नंबर का आपका लिखित एग्जाम होगा। सभी प्लस टू विद्यालय महाविद्यालय प्रधान से अनुरोध है कि वे प्रवेश पत्र दिनांक 10/6/22 से परिषद के वेबसाइट से डाउनलोड कर सभी संबंधित छात्र छात्राओं को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें। मतलब 10/6/22 को वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा बच्चों और आप लोग को 11 को एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अब है, सभी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र अध्ययन करने हेतु 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अब है क्लास 11th में हम लोग देखते हैं, क्लास 11th का फर्स्ट टर्म आपका 10 बजे से 11:15 तक है परीक्षा बच्चों, और सेकंड सिटिंग में 2 बजे से 3:15 तक है, जिसमें से फर्स्ट सिटिंग में आपका साइंस कॉमर्स का ज़्यादातर परीक्षा है और सेकंड सिटिंग में आर्ट्स वालों का। तो 16/6/22 से 11th क्लास का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो ये साइंस सेक्शन का है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए है बच्चों, कंपलसरी कोर लैंग्वेज जिसमें साइंस कॉमर्स और आपका आर्ट्स का रहेगा। इसमें आप लोग को हिंदी इलेक्टिव हिंदी कोर, हिंदी और इंग्लिश कोर, फिर आपका हिंदी बी और मातृभाषा का एग्ज़ाम होना है। तो ये जो आपका हिंदी कोर का एग्ज़ाम होगा या इंग्लिश कोर का, वो केवल साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों लोग का है फर्स्ट सिटिंग में, और सेकेंड सिटिंग में केवल आर्ट्स वाला का हिंदी कोर और इंग्लिश कोर का एग्ज़ाम होगा। फिर 18/6/22 को केमिस्ट्री और इंटरप्राइजरशिप है और यहाँ साइंस व कॉमर्स वालों लोग के लिए, जबकि सेकेंड सिटिंग में इलेक्टिव लैंग्वेज का होगा, जिसमें इलेक्टिव लैंग्वेज में यदि आपने हिंदी ए में हिंदी ए या इंग्लिश ए रखा है तो इलेक्टिव में आपका इंग्लिश मतलब इलेक्टिव होगा या हिंदी इलेक्टिव होगा या संस्कृत होगा, उर्दू होगा, ये सब भाषा इलेक्टिव लैंग्वेज में आ जाएगा। 20/6/22 को आपका फिजिक्स है साइंस का और अकाउंटेंसी है आपका कॉमर्स का, सेकेंड सिटिंग में है आपका ज्योग्राफी आर्ट्स वाला लोग के लिए। 24/6/22 को इकोनॉमिक्स है साइंस कॉमर्स वाला के लिए और एंथ्रोपोलॉजी है आर्ट्स वाला के लिए। 25/6/22 को है वोकेशनल सब्जेक्ट है साइंस कॉमर्स वाला के लिए, आर्ट्स के लिए है म्यूजिक। 27/6/22 को है बायोलॉजी साइंस के लिए, जिसमें बोटनी प्लस जूलॉजी रहेगा और कॉमर्शियल अर्थमेटिक्स
कॉमर्स वालों के लिए, और 27 को सेकेंड सिटिंग में हिस्ट्री का एग्ज़ाम है आर्ट्स वाला के लिए। फिर आपका 29/6/22 को मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स है साइंस कॉमर्स वाला लोग के लिए, जबकि होम साइंस है आर्ट्स वाला लोग के लिए सेकेंड सिटिंग में। 2/7/22 को जूलॉजी है साइंस का, बिजनेस स्टडी है कॉमर्स का, और समाज शास्त्र है आपका आर्ट्स वाला का सेकेंड सिटिंग में। 4/7/22 को आपका वोकेशनल सब्जेक्ट है आर्ट्स वाला लोग के लिए, पॉलिटिकल साइंस है आर्ट्स वाला के लिए। मतलब आर्ट्स का वोकेशनल सब्जेक्ट आपका फर्स्ट सिटिंग में होगा। फिर 6/7/22 को मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स आर्ट्स के लिए है, जो आर्ट्स के बच्चे मैथ या स्टैटिक्स रखते हैं, और साइकोलॉजी है सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स वाला लोग के लिए। फिर 8/7/22 को कंप्यूटर साइंस है साइंस कॉमर्स वाला लोग के लिए, और 8/7/22 को ही है इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम सेकेंड सिटिंग आर्ट्स वाला के लिए, और 11/7/22 को फर्स्ट सिटिंग में परीक्षा नहीं है बच्चों, और फिलोसफी आपका आर्ट्स वाला के लिए सेकेंड सिटिंग में। इस तरह आपका परीक्षा 16/6/22 से 11/7/22 तक चलेगा। यहाँ देख सकते हैं 16/6/22 से कब तक चलेगा बच्चों, 11/7/22 तक। अब क्या है कि यह परीक्षा एक लिखित परीक्षा होगी। प्रथम सावधिक मतलब टर्म वन परीक्षा में छात्र छात्रा जिस विषय की परीक्षा में सम्मिलित हुए उसी विषय की द्वितीय सावधिक परीक्षा में सम्मिलित होंगे। मतलब यदि उन्होंने फर्स्ट टर्म में इकोनॉमिक्स रखा है ऑप्शनल पेपर में, तो सेकेंड टर्म के लिए भी उसका ऑप्शनल पेपर में इकोनॉमिक्स ही रहेगा, दूसरा सब्जेक्ट नहीं बदल सकते हैं। यह परीक्षा अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय मिश्रित प्रश्नों पर आधारित रहेगा। 20 अंक आपको मिलेंगे, जिसमें प्रथम सावधि के लिए 10 अंक और सेकेंड सावधि के लिए 10 अंक जो आपको स्कूल तरफ से मिलेगा। तो बच्चों, और आपका जो एडमिट कार्ड है वो 11/6/22 को वेबसाइट पर आ जाएगा। आपके स्कूल के जो प्राचार्य महोदय हैं वो आपको निकाल कर 12 या 13 को देना सुनिश्चित करेंगे। तो बच्चों, यही था आपका प्रोग्राम, इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। एक एक करके मैंने बता दिया है, और अब परीक्षा में जुट जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। बाय बाय।